Hello students welcome back to my channel I am Neha Goswami and in this video we are taking the chapter cell the basic fundamental unit of life of class 9th okay in the previous video we discussed about the definition of the cell about the discovery and the very important point the cell theory okay and in this video we are going to discuss about unicellular multicellular prokaryotic eukaryotic organisms okay and about the division of labor ओके सो नाउ मूविंग टू वर्ड्स की ऑर्गेनिजम्स की डिवीजन की बात करें डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स फाइन सो नंबर ऑफ सेल्स यानी कितने सेल्स हैं दे कैन बी डिवाइडेड इंटू टू वन इज़ यूनि एंड सेकेंड इज मल्टी सेलुलर एज द नेम सजेस्ट यूनी मीन्स वन सो सिंगल सेल्स सो ऑर्गेनिज्म जो होगा एक सेल का बना है देन वी विल कॉल इट एज यूनि ऑर्गेनिज्म ओके एग्जाम्पल्स एमीबा बैक्टीरिया पैरामीशियम फाइन मल्टी सैलुलर मीन्स द ऑर्गैनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स ओके एक से ज़्यादा सेल्स का बना मल्टी सेलुलर सो एग्जाम्पल्स आर प्लांट्स एनिमल्स सो इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम वी कैन सी द डिवीजन ऑफ लेबर नो वट इज दिस डिविजन ऑफ लेबर डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स द वर्क इज डिवाइडेड ओके वी नो जब काम डिवाइड हो जाता है एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स के पास एक बेनिफिट है कि उनके अंदर जो वर्क है डिवाइड हुआ है किसमें टिश्यूज़ जो हैं दे आर परफॉर्मिंग अ स्पेशलाइज फंक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल जो डाइजेस्टिव uh, सिस्टम है उसमें जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारे स्टामक uh, है इंटेस्टाइन है दे आर डूइंग देयर ऑन फंक्शंस ओके डाइजेशन uh, का काम कर रहे हैं कोई कार्बोहाइड्रेट्स को कर रहा है कोई प्रोटीन्स को कोई लिपिड्स को कर रहा है डाइजेस्ट ओके सो डाइजेशन इज देयर सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन का काम कर रहा है सो नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन गैदर करता है फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट स्टिमुलस लेता है इन्फॉर्मेशन सेंड करता है सो ऑल द वर्क इज डिवाइडेड अपना अपना काम सब में डिवाइड हुआ है इससे क्या हो रहा है एफिशेंसी बढ़ रही है दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय एन एग्जाम्पल एक क्लासरूम है उसमें स्टूडेंट्स हैं एक स्टूडेंट को सपोज हमने सारा काम दिया हमने कहा कि नोटबुक्स uh, कलेक्ट करो एंड uh, उसके बाद क्लासरूम डेकोरेट करो थर्ड असेंबली के लिए स्पीच प्रिपेयर करो फोर्थ क्लास मॉनिटर करो इफ टीचर इज़ नॉट प्रेजेंट इन द क्लास क्लास को मॉनिटर करो ओके एंड फिफ्थ कि स्कूल मैगजीन के लिए कुछ आर्टिकल्स अरेंज करो तो इस फॉर्म में हमने एक बच्चे को अगर सारा काम दे दिया सो व्हाट विल हैपन वो अपना काम एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाएगा फाइन सो सिमिलरली यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को जैसे सारा काम दिया हुआ है सो दे आर लेस एफिशिएंट, उन्हें न्यूट्रिशन भी करना है रेस्पिरेशन भी करना है बिकॉज एक ही सेल है एंड उसको सब फंक्शंस परफॉर्म करने हैं न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन डाइजेशन एक्सक्रीशन उसके बाद रिप्रोडक्शन सो वन सेल इज़ परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शन तो उसकी एफिशिएंसी कम है ऑन द अदर हैंड अगर क्लासरूम में हमने काम डिवाइड कर दिया एक स्टूडेंट को हमने कहा कि नोटबुक्स कलेक्ट करो ओके okay? uh, सेकेंड को हमने बोला कि क्लास को डेकोरेट करो थर्ड को हमने कहा असेंबली के लिए uh, कुछ स्पीच प्रिपेयर करो फोर्थ को हमने बोला स्कूल मैगजीन के लिए कुछ आर्टिकल्स प्रिपेयर करो फिफ्थ को कहा क्लास मॉनिटर करो तो इन सब से क्या होगा वट विल हैपन द वर्क इज़ डिवाइडेड जब काम डिवाइड हो गया दे विल डू देयर वर्क मोर एफिशियंटली अपना हंड्रेड परसेंट इनपुट देंगे सब फाइन सिमिलरली मल्टी सैलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो काम है दैट इज़ डिवाइडेड कुछ सेल्स डाइजेशन कर रहे हैं कुछ सेल्स रेस्पिरीशन कर रहे हैं कुछ सेल्स सर्कुलेशन कर रहे हैं कुछ नर्वस सिस्टम में डिवोटेड हैं सो so, काम जो है वो डिवाइडेड है साइमल्टेनियसली ऑल द वर्क इज़ गोइंग ऑन एंड इससे एफिशेंसी इंक्रीज होती है ओके सो ड्यू टू दिस डिविजन ऑफ लेबर the organisms multicellular organisms are more efficient fine so you can see these are the various cells from the human body this is the uh, sorry so this is the muscle cell this is the blood cell this is the nerve cell this is fat cell okay adipose cells this is sperm this is ovum this is bone cell ओके सो दीज आर वेरियस काइंड ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग देअर ओन फंक्शंस फाइन सो नाओ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस कैसा है उनके अंदर सो सेल्स कैन भी कैटेगराइज एज प्रो कैरेटिक एंड यू कैरेटिक सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रो वर्ड मीन्स प्रिमिटिव प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव ओके मीन्स पुराना something old fine so pro means primitive and karyo means this karyo word means nucleus okay so this karyo word represents nucleus means primitive nucleus okay primitive nucleus iska matlab hai jo nucleus hai that is not well defined so prokaryote ke andar we can see that nucleus is not well defined means nuclear membrane is not present actually ओके जो न्यूक्लियर मैम्ब्रेन है दैट इज़ नॉट एक्चुअली प्रेजेंट हेयर यू कैन सी हेयर न्यूक्लियर मैम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट फाइन बट इन यू कैरेट वट इज देयर यू मीन्स ट्रू यू का मतलब होता है ट्रू एक्चुअल ओके सो ट्रू एंड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस सो एक्चुअल न्यूक्लियस इज देयर सो इसमें क्या होगा जो न्यूक्लियर मैम्ब्रेन है यू कैन सी इट इज़ वेल डिफाइंड प्रॉपर न्यूक्लियर मैम्ब्रेन है सो प्रो कैरेट्स में क्या है न्यूक्लियर मैम्ब्रेन नहीं है तो जो जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए जो जीन्स हैं जो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल है दैट इज लाइंग नेकेड उसके आसपास कोई मैमबरेन नहीं बनी हुई इट इज़ लाइंग एज इट इज़ नेकेड ओके इट्स इट इज़ कॉल्ड एज नेकेड डी फाइन सो कोई मैमब्रेन नहीं बनी है इसके आसपास इट इज लाइंग एज इट इज़ एंड अनदर नेम दैट वी गिव इट इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियाइड फाइन सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ न्यूक्लियइयड बिकॉज न्यूक्लियर मैमबरेन इज नॉट देयर so nucleus is not proper nucleus is not there we call it as nucleoid so nucleoid is present in prokaryote but in eukaryote we call it as proper nucleus because proper nuclear membrane is there so this is the basic difference between prokaryote and eukaryote okay so other differences are about the size the prokaryotic cells are generally small okay and eukaryotic cells are generally large their size can be 5 to 100 micrometers fine so second nuclear region nuclear region as i told you it is poorly defined it is not properly defined no nuclear membrane is there so we call it as nucleoid fine but in eukaryote proper nuclear region is there nuclear membrane is there proper nucleus is there third point chromosome is single in prokaryotes but in eukaryotes we have more than one chromosome for example we human beings we have 46 chromosomes okay so uh, in prokaryotes another fourth point membrane bound cell organelles are absent in the next lecture we will discuss about the cell organelles also what are they for example mitochondria uh, chloroplast so organelles are there it's present inside the cells which perform some functions okay so, membrane bound cell organelles means the organelles which are having a membrane around them. For example, the mitochondria, chloroplast, they are having a membrane around them. Okay, endoplasmic reticulum is there. So, these are membrane bound organelles. So, these are absent in prokaryotes, but these are present in eukaryotes. So, this much only in this video. In the next video, we will start with uh, cell organelles. And about the plasma membrane, about osmosis and uh, diffusion, all those phenomena we will discuss. Till then, take care.